ऑल राइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है द वेरी 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 ब्यूटीफुल यामाहा R15 वर्जन 4। और यहाँ पे जो आपको कुछ ऐसी अभी नई चीज़ें मिलती है जो शायद आपको किसी भी ये कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक में, मतलब इतनी सीसी की स्पोर्ट्स बाइक में देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसकी जो अभी ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 2,35,000 रुपीज़। मुंबई स्पेशल थैंक्स टू अक्षय सर एंड यामा ऑटोमैक्स ऑटोमोटिव जिन्होंने जो है मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सीधा चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ, और इसमें सबसे बड़ा अपडेट क्या है वो मैं आज आपको पहले बताने वाला, उसके बाद हम लोग जो है मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर जो है इस मोटरसाइकिल में अभी आपको एक फुल्ली कलर्ड TFT स्क्रीन देखने को मिलता है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। सो आप देख सकते हो ये तो जो है अभी काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको एक मोटरसाइकिल से मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है ना आपको दो मोड मिलते हैं। अभी ये जो है नॉर्मल मोड में, सो जैसे ही मैं यहाँ पर ये सेट बटन दबाता हूँ तो ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मोड में। देखिए आप देख सकते हो लेआउट जो है चेंज हो चुका है। एंड स्पोर्ट्स मोड में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि फास्टेस्ट कितना था, एवरेज कितना था, लेटेस्ट टाइमर कितना था, फ्यूल गेज। और यहाँ पे ना 6,000 RPM से स्पोर्ट्स मोड शुरू होता है, मतलब 6,000 RPM के बाद ही यहाँ पे आपको वो रेंज देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग वापस से आ जाते हैं नॉर्मल मोड में। सो हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल मोड में। सो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, QS मिल जाएगा, मतलब कि क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल की आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी, और टाइम मिल जाएगा, RPM स्पीड, कितने किलोमीटर चलिए ट्रिप वगैरह, एवरेज स्पीड कितनी थी, फ्यूल गेज आपका, टाइम, यहाँ पे सारी की सारी वार्निंग्स, ये आपकी RPM की लाइट्स। और अगर मैं इसको अप एंड डाउन करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो रहे हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर, वापस से ट्रिप 1। और अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो ऊपर में जो आपको यहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगे, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप, और वापस से करंट फ्यूल इकोनॉमिक। तो आपको ये ना काफ़ी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। और अगर मैं ये सेट का बटन होल्ड करके रख के छोड़ देता हूँ तो आप आ जाओगे मेन्यू में। सो मेन्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग में आपको ब्राइटनेस, डिस्प्ले कलर, वॉलपेपर, डिफॉल्ट मीटर मोड, मतलब बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें वो मिल जाती है। अगर मैं एक एक करके बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ट्रैक में आपको कौन सा चाहिए, स्ट्रीट में कौन सा चाहिए, उस हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और पीछे चलते हैं तो अगर आपको इसमें बैक जाना तो आपको पूरा पीछे जाके बैक जाना पड़ेगा। लैप टाइम आ गया, आपका TCS आएगा, आप TCS को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग में जाते सिस्टम सेटिंग में जो आपको क्लॉक मिल जाएगा कस्टमर ने, मतलब अपना अपना नाम डाल सकते हो, अपना नंबर डाल सकते हो, आप यूनिट्स डाल सकते हो, जैसे कि आपको स्पीड में कौन सी यूनिट चाहिए, मतलब किलोमीटर चाहिए या MPH चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी मिल जाएगा, आपको सेल्सियस में चाहिए या फ़ारेनहाइट में चाहिए। बैक जाते हैं और अगर आपको सब कुछ रीसेट करना है तो आप ऑल रीसेट भी कर सकते हो। सो ये है इसका बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला TFT डिस्प्ले। एंड स्पेशली ये जो यामा R15 M वेरिएंट है, इसमें ये सिल्वर और ब्लू कलर का जो फिनिशिंग है, सिल्वर ब्लू एंड ब्लैक, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल। इसके जो फुटपैक्स है वो रेयर सेटिंग में। मेरी जो हाइट है वो 5'10", मेरे दोनों पाँव इस मोटरसाइकिल में नीचे टिकते हैं। इस मोटरसाइकिल के लिए आपको ज़्यादा हाइट नहीं होगी तो भी चलेगा, 5'6" 5'7" होगी तो भी मैनेज हो जाएगा। टैंक जो है काफ़ी बढ़िया सी टैंक यहाँ पे आपको मिलती है, आई थिंक 11 लीटर्स की टैंक मिलती है यहाँ पे, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 40-45 की माइलेज भी मिल जाएगी। सीट को लेकर जो है राइडर की सीट जो है मैं बोल सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट पिलियन की जो सीट है वो थोड़ी ऊपर की साइड है, तो पीछे के वाले को जो है ज़्यादा कंफर्ट नहीं होगा। सो यस, इट इज़ अ गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। फ्रंट में चलते, बाकी ओवरऑल मोटरसाइकिल सेम है। मोटरसाइकिल में सिर्फ ये TFT स्क्रीन और ये थोड़े बहुत चेंजेस थे, बाकी ओवरऑल मोटरसाइकिल सेम ही है। तो फ्रंट में जो आपको कंप्लीट यहाँ पे LED सेटअप देखने को मिलता है, ये रहे DRS, ये रहे इसके प्रोजेक्टर LED लाइट्स, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा दूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दिखती है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं KYB की तरफ से अपसाइड डाउन गोल्डन कलर के फोक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, अरे ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट, बाइब्रे की तरफ से आपको यहाँ पे डिस्क मिलती है। आपको ये ब्लू कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो यामा का रेसिंग ब्लू कलर है। इंजन पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे ना आपको एक 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 18 PS ऑफ पावर एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क। और आप इसकी फेयरिंग को देख ही सकते हो, इसकी फेयरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट भी। साउंड करने में कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा।
पीछे की तरफ आते हैं, सो पीछे की तरफ जो आपको ये टायर अगर मिल जाएगा, आपको मोनो शॉक्स मिल जाते हैं, निसिन की तरफ से आपको पीछे डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। अगर मैं पीछे की प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, सो दीज आर 140/70 R17 के ट्यूबलेस टायर्स। जैसे मैंने आपको बताया, टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे LED में, और ब्रेक लाइट्स जो रहेगी वो भी आपको मिलेगी LED में। एक और मेजर चीज़ इस मोटरसाइकिल में मुझे ये लगती है कि दिस इज़ दी ओनली मोटरसाइकिल जहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिलता है इन अ 155 cc मोटरसाइकिल, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप ये जो देख रहे हो, ये जो पाइप जा रहा है यहाँ से, ये है इसका क्विक शिफ्टर। एंड यहाँ पे आपको 6-speed गियर बॉक्स मिलती है, 1 down 5 up, ठीक है। सो ये था एक क्विक वॉक अराउंड ऑन द यामाहा R15 M वर्जन 4 विद TFT कलर डिस्प्ले। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता अपने मोटर ब्लॉक के सेटअप में, एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर ब्लॉक के सेटअप में, और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशी की चाबी इन द चैट। भाई ये बाइक आई थिंक अभी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट MotoGP से आई है। वाह यार, चलो इस पर बैठते चलाकर भी देख लेते यार ये क्या डिस्प्ले दिखता है यार, ब्यूटीफुल यार, काफ़ी ज़्यादा कड़क यार यामा ने, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि चिंदी सा छोटा डिस्प्ले दिया, इतना बड़ा सा डिस्प्ले दिया है आईपैड जितना। वाह ओके। सो सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट को लेकर। भाई ये मोटरसाइकिल ना आपको शॉर्ट एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग दे देगी, जो ये है एक्चुअली में। सो इसके जो क्लिप ऑन्स आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। इसके जो फुटपैक्स वो रेयर सेटिंग में है, आपको ना आगे इसमें बेंड होने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही 110%। बट जिसको भी शौक है स्पोर्ट्स बाइक का, तो आई थिंक उसको ये बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगा। बट हाँ, अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, सो ये सब मोटरसाइकिल्स में ना कंफर्ट थोड़ा बैक सीट ले लेता है, बट स्टाइलिंग जो है वो फ्रंट सीट में आ जाती है और आपको दे देगी यहाँ पे भर भर के स्टाइलिंग। सो यू नो, अगर किसी को शौक है ऐसे मोटरसाइकिल चलाने में, तो आपको बिल्कुल भी ये मोटरसाइकिल नाराज़ नहीं करेगी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल, और इसकी जो टंकी है वो आपको बराबर से यहाँ पे ग्रिपिंग वगैरह प्रोवाइड कर देगी। वाइज़र जो है यहाँ पे आपको स्पोर्टी सा वाइज़र भी मिलता है। सो आई थिंक इट इज़ येस, इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी सिटिंग पोजीशन। अभी आ जाते इस मोटरसाइकिल के इंजन पे। सो भाई यहाँ पे ना आपको ये 155 cc का VVA इंजन मिलता है, जो किक इन करता है आई थिंक 5 या 7000 RPM के बाद। मैं आपको आगे चलाने के टाइम पे बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ आता है VVA जब जब कभी वो किक इन करती है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ पंची इंजन, मतलब पिकअप वगैरह के मामले में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी जो है फटाक से स्पीड वगैरह पकड़ लेती है। और अगर मैं रिफाइनमेंट्स की बात करूँ, येस द इंजन इज़ रिफाइंड। लॉकिंग वगैरह जो इतना कुछ खास है नहीं इस मोटरसाइकिल में अभी तो, जबकि कोई भी मोटरसाइकिल में वो वाली इशू नहीं आती, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग उस पर वर्क करते हैं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ ऑन द स्पॉट। भाई R15 तो हम सभी लोग जानते हैं यार, सब लोग फ़ैन है इस मोटरसाइकिल के, मैं भी उनमें से एक हूँ। और मेरे सामने से भी एक मॉन्स्टर एडिशन गई, ठीक है ओके। और येस इट इज़ अ गुड इंजन, अगर आपको यू नो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मोटरसाइकिलिंग पे और आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, सो ये इंजन आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ, सो आपको हल्के फुल्के से आपके फुटपैक्स पे लगते हैं, बाकी ओवरऑल मोटरसाइकिल में इतने खास वाइब्रेशंस नहीं है यार। और अभी आ जाते इसके हैंडलिंग पे। भाई इसको हैंडल करना इज़ वेरी इजी, मतलब आप गाड़ी को नहीं, गाड़ी आपको हैंडल करेगी, आपको वैसा फील होगा। आप देखिए, मतलब गाड़ी ना रोड को छोड़ती नहीं है, और क्या एरोडायनामिक्स है इस मोटरसाइकिल। अगर आपने अंदर ऐसे टक इन कर दिया और आप यू नो शूट करोगे, तो गाड़ी जो इतना स्टेबल रहती है, मज़ा आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कड़क। और टायर्स भी अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं यार। और इस बाइक को ना आप सुला के थक जाओगे, बट वो नहीं थकेगी। और यहाँ पे वही कमर वाला हिस्सा, आपको कमर से इसको हैंडल करना है, ना कि अपने हैंडल बार से। हैंडल बार जो है स्टैटिक रहेंगे। सस्पेंशन जो है इसके मीडियम सेटिंग पे, थोड़े स्पोर्टियर साइड पे, तो हल्का सा आपको हार्ड लग सकते हैं। बट इसके जो पीछे के मोनोशॉक्स है ना, वो हल्के से बाउंसी है, तो अगर आप कोई भी ऐसे मान लो ये स्पीड ब्रेकर में से मैं जाता हूँ, तो आपको वो बाउंस बैक इफेक्ट यहाँ पे ज़रूर से मिलता है, देखिए ठीक है। बट इट इज़ ऑन द लिटिल बिट ऑफ स्पोर्टियर साइड, तो आपको थोड़ा आराम से तो लेना तो पड़ेगा ही। और ब्रेकिंग पे आ जाते हैं भाई। ओके, शार्पनेस R15 की ब्रेकिंग हमेशा शार्प है और शार्प ही रहेगी। तो फ्रंट ब्रेक्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल। यू टर्न टेस्ट, देखो मैं पाँव नीचे नहीं रखूँगा, यहाँ पर आराम से मुड़ जाती है। और स्पोर्ट्स बाइक बनी हुई थी इसके लिए, और ये RPM शिफ्ट लाइट्स आती है ना, बहुत मज़ा आता है देखने को।
और यस रेयर ब्रेक भी स्ट्रांग है भाई साहब, मज़ा आ गया। एंड इस मोटरसाइकिल में आप लो आरपीएम पे ज़्यादा गियर पे चला सकते हो। अभी मैं थर्ड गियर पे चला रहा था फिर भी गाड़ी चल रही थी, नॉकिंग वगैरह नहीं हो रहा था। मैं एक काम कर सकता, थोड़ा स्पोर्ट मोड स्पोर्टी में डाल के, ये देखो स्पोर्ट मोड में आ चुका है। भाई मज़ा आ गया इस मोटरसाइकिल को चलाने में, क्या उड़ती है मोटरसाइकिल, काफ़ी ज़्यादा कड़ाक। और सब लोग ना इस मोटरसाइकिल को मुड़ मुड़ के देखते हैं यार, मुझे पता है क्यों बट देखते तो है। आपकी नज़र ना इसके TFT स्क्रीन से हटेगी नहीं, और अभी इसमें ब्लूटूथ भी है तो आप अपना फ़ोन भी इसमें पेयर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा यामा कनेक्ट। एंड इसकी जो अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट है इज़ वन ऑफ द स्मूथेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है स्लिपर क्लच। मतलब अगर मैं इसको, ये देखिए डाउन शिफ्ट किया मैंने, ये देखिए सेकंड, क्या मतलब डाउन शिफ्ट से इसके आपने देखा इतना मतलब मैंने इतने अच्छी से दिखाया आपको, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। सो अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ऑफ द स्लिपर क्लच। ओके सो आई फील मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। साइड व्यू मिरर्स जो अच्छा खासा व्यू दे रहे हैं, क्विक शिफ्टर जो अच्छे से काम कर लेता है, बट इसके क्विक शिफ्टर का ध्यान रखना, आप जो इसमें सिर्फ अप शिफ्ट कर सकते हो, डाउन शिफ्ट ऑटो ब्लिपर नहीं इसमें, तो आप ऊपर मार सकते हो नीचे नहीं मार सकते, ठीक है। सो ये था आज का मेरा रिव्यू ऑन द यामा R15M। मेरा फाइनल वर्डिक भाई, अगर आप एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक अपने लिए ढूंढ रहे हो तो मुझे नहीं लगता इंडिया में इससे अच्छी मोटरसाइकिल अभी आपको मिलेगी आफ्टर दिस TFT अपडेट। इट लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब आप देखोगे ना आपका दिल आ जाएगा, मतलब यार ये क्या बाइक बनाई है। पूरा आपको यहाँ पे मोटो जीपी वाली वाइब्स मिल जाती है, लुक्स मिल जाएंगे, फीचर्स मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आप इसको ट्रैक पे लेके जाओ, संडे राइड को लेके जाओ, अगर आपको सिटी में सुपर बाइक चलाने की आदत है तो ये मोटरसाइकिल आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी। मतलब आपको अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्यों 1000 cc की मोटरसाइकिल लेने की ज़रूरत है जबकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। यू नो सो वो 10-20 lakh अपने बचा लो, 2 lakh इसमें इन्वेस्ट करो और आपका यू आर सॉर्टेड, ठीक है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू, दिस इट इज़ अ डेफिनेट कैच, ज़रूर से बाय कीजिएगा इसको। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।